क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम एफ ऑफ एक्स है और हमें शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमारा इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है। और ये फॉर्मूला को याद है ना, देख लो एक बार, क्लास 11 का है, कॉस ए प्लस बी हमारा इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के, और साइन ए प्लस बी हमारा इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के, ठीक है। अभी इसकी नीड नहीं है, जब नीड होगी देखेंगे। फिलहाल ये देखो आप, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ये, अगर मैं पूछूँ आपसे एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, तब आप क्या बोलोगे भैया बताओ? एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है ये, और इनटू में एफ ऑफ वाई कहा गया है ना, वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज इनटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है। लिख दो यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, ठीक है, इंटू एफ ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे भी एक्स है ना वहाँ पे वाई पुट कर दो, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे वाई पुट कर दो, ठीक है ना, सिंपल सी बात होती है। ये हमारा एक फंक्शन है, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो इसमें, जो भी वैल्यू आप एक्स की लोगे यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू वही लेनी पड़ती है। अब अभी फ़िलहाल आप एक्स की वैल्यू लिख रहे हो वाई, तो पूरे में वाई लिखना पड़ेगा, तो हमें एफ ऑफ वाई क्या मिलेगा, जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे वाई पुट करो, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो 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 वन, ठीक है। और हमें इसको इक्वल प्रूव करना है किसके, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पे किया, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हम वाई पुट कर सकते हैं, वैसे ही जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम एक्स प्लस वाई पुट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये एक फंक्शन है, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, वैसे ही आप एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई भी पुट कर सकते हो। अगर आप एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई पुट करते हो तो पूरे में जहाँ पे भी एक्स है इसमें एक्स प्लस वाई पुट करना पड़ेगा, तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट कर दो, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, फिर ज़ीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा हमें, साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ज़ीरो है और ज़ीरो ज़ीरो वन, और यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके सम को इसके इक्वल प्रूव करना है, सॉरी इसके मल्टीप्लिकेशन को इसके इक्वल प्रूव करना है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। ये हमारा मान लो ये हमारा क्या है एलएचएस, ये हमारा क्या है आरएचएस, ठीक है, सिंपल सी बात। तो मल्टीप्लाई करते हैं और इसके इक्वल हम प्रूव करते हैं, सिंपल सी बात समझ में आई। तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है, हमें रो को, ये हमारा रो है, इसे हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, कर दो। तो मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, हमें आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है जो कि हमारा ये है, तो हमारा क्या आएगा बताओ, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है, उसके बाद ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो ही आएगा, तो प्लस ज़ीरो लिखो या मत लिखो एक ही बात है, आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स इंटू में माइनस साइन वाई, मतलब क्या आ गया हमारे पास, माइनस साइन वाई कॉस एक्स, चाहे तो ऐसे लिख लो, फिर माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, तो माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर उसके बाद ज़ीरो इंटू में ज़ीरो, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा, माइनस साइन एक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा, और ज़ीरो इंटू वन हमारा ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ज़ीरो आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है, फिर कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, है ना, कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, तो प्लस
कॉस एक्स इंटू साइन वाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर जीरो इंटू में जीरो, जीरो ही आएगा, तो प्लस जीरो लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब आगे बढ़ो, साइन एक्स इंटू में माइनस साइन वाई, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब अभी हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस लिखना पड़ता है हमें, फिर कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो होता है, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो होता है, और फिर जीरो इंटू वन जीरो होता है, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो इंटू ये जीरो, जीरो इंटू ये जीरो, प्लस जीरो इंटू वन जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा। फिर जीरो इंटू में ये जीरो, प्लस जीरो इंटू में ये दोनों जीरो आएगा, फिर वन इंटू में जीरो, जीरो आएगा। ठीक है, सॉल्व करते जा रहे हैं सिंपल से। फिर जीरो इंटू में जीरो, जीरो आएगा, प्लस जीरो इंटू में जीरो, जीरो आएगा, और वन इंटू में वन, वन आएगा। तो ये हमारा आ गया सॉल्व हो के। अभी कुछ दिख रहा है आपको, कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, ध्यान से देखो। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का। यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, वाई है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी का। मतलब यहाँ पे एक्स वाई है, तो कॉस एक्स प्लस वाई का लिख दूँ मैं यहाँ पे, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ देखो आप, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो ये पॉजिटिव जाएगा, ये भी पॉजिटिव जाएगा, माइनस कॉमन निकालूंगा तो, माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, कॉस एक्स साइन एक्स, देखो ये नहीं बन रहा, फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आई तो मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा, अगर माइनस कॉमन निकालता हूँ तो, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई। अगर मैं चाहूँ तो इसको आगे लिख दूंगा, इसको पीछे लिख दूंगा, एक ही बात है, दोनों प्लस में है, ज़रूरत नहीं लिखने की, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को डाउट ना हो कि मैंने क्या कर दिया। अब देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया, किसका बन रहा है ये, साइन ए प्लस बी का, ए हमारा एक्स है, बी हमारे यहाँ पे वाई है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये माइनस ऊपर था, ऊपर था तो माइनस यहाँ पे है, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, माइनस ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ूँ, जीरो है यहाँ पे, तो जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये देखो आप, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, सिंपल सी बात है, किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी का बन रहा है कि नहीं, मतलब साइन एक्स प्लस वाई का बन रहा है, यहाँ पे ए बी की जगह पे एक्स प्लस वाई है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, कॉस ए प्लस बी का है कि नहीं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे एक्स वाई है, ए बी की जगह पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला तो ये बन रहा है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे ए बी की जगह पे एक्स वाई है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, तो कॉस एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और बचा क्या, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो लिख दो, और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे वन है। ठीक है, तो अब मैच करो, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बताओ, ये हमारा क्या है, RHS है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा इक्वल टू आ गया RHS, है कि नहीं, सेम है कि नहीं, देखो सारी वैल्यू सेम है, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूफ डन, बस यही करना था, सिंपल था। ठीक है,